पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलिस ने 20,000 रुपए के 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को एक व्यापारी के अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अपहरण के लिए इस्तेमाल की गई एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। आपको बता दें कि गत दिनों थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पीली कोठी के पास से एक व्यापारी का अपहरण हुआ था। दिन दहाड़े बीच चौराहे से हुए व्यापारी के अपहरण से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के लिए टीम गठित की और आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सर्विलांस और एसओजी के माध्यम से 36 घंटे में आड़ती व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 4 आरोपी फरार थे। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। आज पुलिस ने बसपा नेता के साथ उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों का मेडिकल कराकर उन्हें जेल भेज दिया है। आज हमारे थाना सिविल लाइन पुलिस ने जो 4 अभियुक्त वांछित थे, एक यहाँ पे अपहरण हो गया था संदीप थरेजा जी का 30 दिसंबर 2021। जब उसके बाद उनकी जो पत्नी है, उन्होंने श्रीमती मीना थरेजा, उन्होंने एक मुकदमा लिखवाया अपहरण का। तो उसकी तफ्तीश में जब हमारी थाना सिविल लाइन की पुलिस लगी तो साक्ष्यों और जो उसके भाई रामचंद्र, उनसे पूछताछ के आधार पर जो 4 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, बबलू सैनी, बहादुर, मुखिया उर्फ मुकेश और जसकरण, ये जो 4 वांछित अभियुक्त थे, इनकी आज गिरफ्तारी थाना सिविल लाइन पुलिस ने की है। और ये 4 इनामियां घोषित हो गए थे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से, जिन पर 20,000 का इनाम था, जिन्हें आज थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाँ, एक इनमें से है जो बबलू सैनी, वो किसी एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए थे, ऐसा प्रकाश में आया। इनका पूर्व में अभी तक हमें कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। अब तक हम इसकी और गहराई से जांच कर रहे हैं, इनके अलग अलग जगह से आपराधिक इतिहास मंगाने का ट्राई कर रहे हैं, बट अभी तक इन पे कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। इन पे हमें एक 2 अदद चाकू, नाजायज चाकू मिले हैं, और एक जो है जिंदा कारतूस के साथ एक 315 बोर का वेपन भी मिला है। जो है दुकान, जो अड़त की दुकान है, उस पे लेके विवाद था कि किस कि कौन इसका कब्जेदार था। तो रामचंद्र सैनी जो है वो अपने आप को उसका कब्जेदार, कब्जा था उसका, और जबकि ये दुकान जो है संदीप थरेजा जी के नाम से है, और वो उन्होंने उनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि आप खाली कर दीजिए, जिसके उपरांत ही उन्होंने ये एक षड्यंत्र रचा और उनकी किडनैपिंग का प्लान किया। कोई नया वाहन भी खरीदा था जी? उन्होंने एक सेकेंड हैंड वाहन जो है स्कॉर्पियो, वो किसी अफसर से खरीदा था पागबाड़ा से, जो कि इन्होंने इस घटना में यूज किया, जो पुलिस ने, हमारे थाना सिविल लाइन पुलिस ने उसे भी बरामद किया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।